हेलो बच्चों, कैसे हो? क्लास टेंथ? बढ़िया। आज क्लास टेंथ को लेसन नंबर 3 इकोनॉमिक्स से कराएंगे। उसका नाम है मनी एंड क्रेडिट। क्या नाम है? मनी एंड क्रेडिट, हिंदी में मुद्रा और साख। तो पहले बात करते हैं, बात करेंगे तो वो पहले जैसे तो उतर लिए रुपया तो बहुत होता नहीं था उस समय, होता था बाटा सिस्टम। बार्टर सिस्टम, इसमें रुपए की जगह पर लोग एक दूसरे को चीजें दिया करते थे, थिंग्स एक्सचेंज करते। जैसे मान लो कि 5 किलो वीट के बदले गेहूं के बदले 1 किलो जूं दे देते हैं, क्या 5 किलो गेहूं के बदले 1 जोड़ी जूते दे दिए, शूज दे दिए। परंतु यह एक प्रॉब्लम थी कि मान लो 5 केजी वीट वाले को जूते नहीं चाहिए, परंतु कपड़े वाले को वीट नहीं चाहिए, तो समस्या क्यों हो जाती थी? तो सक्सेसफुल एक्सचेंज के लिए डबल कॉन्फिडेंस ऑफ वॉन्ट्स होना जरूरी है, यानी दोनों तरफ से सहमति होनी चाहिए एक दूसरे की चीज़ों को जरूरत होगी तभी वो चीज़ एक्सचेंज करते थे। और उसके बाद मनी सिस्टम आया। मनी की वैल्यू बहुत है और यह वैल्यू इसलिए है क्योंकि सब लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं, इससे हर एक चीज़ मिल जाती है। मनी इज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ना मीडियम ऑफ एक्सचेंज है बेसिकली, और इससे डबल कॉन्फिडेंस वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। तो पहले मनी जो थे वो सोने के सिक्के के रूप में, चांदी के सिक्के के रूप में वगैरह वगैरह फॉर्म में मिलते थे, और अब नोट यानी कि आपके जो कुछ सिक्के हैं, नोट हैं, 100 का है, 500 का है, 2000 का है, 10 का है, 5 का है, ये जो सिक्के हैं नोट्स हैं इनके फॉर्म में मिलते हैं। मनी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मनी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में है और इसे सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI छापता है। और यह रूल भी है कि कोई रुपये की फॉर्म में पेमेंट लेने से मना नहीं कर सकता, यानी अगर आप पैसे दे रहे हो उसको और वो चीज़ लेना चाहते हो उनको, अगर वो एक्सेप्ट नहीं करे तो वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, करेंसी इंडिया की करेंसी उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और जैसे ही आप जानते हो, जैसा कि आप जानते हो, सोसाइटी अब कैशलेस हो रही है। कैशलेस क्या होता है? यानी कि बिना पैसे के आप कुछ चीज़ खरीदो, ATM कार्ड के द्वारा, PayTM के द्वारा, जो भी कुछ है आपके पास में, उसके बाद आपके डायरेक्ट अकाउंट से कट जाता है पैसा, तो उसे कैशलेस कहा जाता है। उसी डायरेक्शन में बात करते हैं, कर सकते हैं। ऑलमोस्ट हर किसी के पास एक बैंक अकाउंट होता है, मतलब बैंक अकाउंट होता है 18 ईयर्स के और होता है 18 साल तक 18 ईयर्स का होता है उसका अकाउंट खुल जाता है। इस अकाउंट में की डिमांड को डिमांड डिपॉजिट भी कहा जाता है। इस अकाउंट में क्या कहा जाता है? डिमांड डिपॉजिट भी कहा जाता है, क्योंकि हम कभी भी अपने अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं जो हम चाहें, जितने पैसे हमें अकाउंट से निकालने हैं वो निकाल सकते हैं डिपॉजिट के अंदर। और फ़ायदा क्या है वो सुनो ध्यान से, क्या फ़ायदा होगा? पहला यह है कि हो गया कि हम जब चाहे पैसा निकाल सकते हैं, ये बताया मैंने आपको। दूसरा, बैंक के पास हमारे पैसे सेफ रहते हैं, है ना, और चोरी होने की कोई भी डर नहीं रहता, कोई भी नहीं होता है। प्लस हमें उन पैसे पर इंटरेस्ट भी मिलता है और हमारे पास पैसे बढ़ते रहते हैं, अपने पैसे जमा कर दिए, FD कर दिए, जो भी उसका ब्याज आपको मिलता रहेगा, यानी पैसे इंक्रीज होते रहेंगे। तीसरा फायदा यह है कि हमें एक चेक बुक भी मिलती है और जब हम अकाउंट खोलते हैं तो इस चेक से हम किसी भी अकाउंट में पैसे डाल सकते हैं अपने अकाउंट से, और ज़्यादातर बड़ी पेमेंट में यूज़ किया जा रहा है, ज़्यादा पैसे निकाल रहे हैं। लेकिन ATM की लिमिट कुछ कम लिमिट होती है, 25 या 20 या 25 हज़ार रुपये एक 24 घंटे में आप निकाल सकते हो,
परंतु चेक बुक्स या जितना अमाउंट आपके अकाउंट में है आप कितना निकालना चाहते हैं वो आप निकाल। अब क्रेडिट की बात करते हैं, क्रेडिट क्या होता है। क्रेडिट बेसिकली होता है लोन, लोन को कहते हैं और लोन हमें बैंक देते हैं। एक्चुअली होता ऐसा है कि जब हम अपने पैसे बैंक में जमा सकते हैं तो वो पैसे बैंक दूसरों को ऐसे लोन दे देता है और फिर वो बॉरोअर्स जो बैंक से लोन लेते हैं कुछ टाइम बाद बैंक को पैसे वापस दे देते हैं, वो भी इंटरेस्ट के साथ। और इसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है और उसका इंटरेस्ट का हिस्सा हमारे अकाउंट में डाल देते हैं और कुछ हिस्सा बैंक अपने पास रख लेता है। ठीक है, तो लोन या क्रेडिट की डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन क्या होती है? क्रेडिट लोन रेफर्स टू एन आर्गुमेंट एग्रीमेंट इन विच द लेंडर सप्लाइज द बोरोअर विद मनी गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न फ्रॉम द फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। यानी लोन एक एग्रीमेंट या समझौता होता है जिसके हिसाब से एक इंसान दूसरे इंसान को पैसा देता है और दूसरा इंसान वादा करता है कि वो पैसा इंटरेस्ट समेत या ब्याज समेत लौटा देगा। नेक्स्ट टॉपिक है टर्म्स ऑफ क्रेडिट। फर्स्ट है इंटरेस्ट रेट, कोलैटरल, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड एंड मोड ऑफ रिक्वायरमेंट आर इंक्लूडेड इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट। यानी हर लोन एग्रीमेंट पर वह इंटरेस्ट रेट होता है, यानी जिस इंसान ने रुपये बोरो किए हैं वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ वापस लौटाएगा जो समय दिया गया है। कोलैटरल ऑफ मॉर्गेज सिक्योरिटी इज एन एसेट दैट द बोरोअर ओन्स एंड यूजेस दिस एज गारंटी टू द लेंडर अंटिल द लोन इज सिक्योर्ड रिपेड। यानी सिक्योरिटी या बेसिकली किसी जमीन के कागज या गाड़ी के पेपर्स होते हैं, अगर लोन लेने वाला लोन नहीं चुका पाता है तो बैंक उसकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लेता है और उस प्रॉपर्टी को बेच कर पैसा वसूलता है। ठीक है, लोन हमें कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं? बैंक से, फैमिली से, रिलेटिव से, बॉस से या फ्रेंड से। फ्रेंड से इनफॉर्मल या इनफॉर्मल सेक्टर में होगा। कौन कौन से? फैमिली, रिलेटिव, बॉस, फ्रेंड, ये सब क्या है? इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स के आते हैं और बैंक जो होता है वो क्या है? फॉर्मल सेक्टर होता है। और सभी बैंक को आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनिटर करता है। नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ आरबीआई, ये हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे आपको वीडियो में। तो आज के लिए ये बात करते हैं हम टॉपिक आपका। ठीक है, तो उसको आप रीडिंग कीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, चैप्टर भी अच्छा है। जो भी आपको कमेंट है वो कमेंट करना और होमवर्क यही दे रहा हूँ मैं आपको, टेस्ट की जैसे नंबर कार्ड मीटिंग बैठना है और जो भी कोई क्वेरी है उसे कमेंट बॉक्स में डालें कि सर ये वाला चीज़ समझ में नहीं आई, जैसे मैं ऐसे करता हूँ समझ में ही आता है। ठीक है, तो फिर भी समझ में नहीं आती तो कमेंट करें, उसके बाद सेकेंड वीडियो आपको मैं कभी करा हुआ कि हैश टैग कौन सा फर्स्ट वीडियो। ठीक है, तो मैं तभी कराऊंगा सर, आप अगर कमेंट भेजते हो तो मैं उसको समझाने के बाद फिर आपको ये सेकंड वीडियो कराऊंगा। ठीक है, तो ये मेरा क्रैश कोर्स है आपका। क्या है? क्रैश कोर्स जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। जो प्रॉब्लम है आप रीडिंग कीजिए पूरा उसका, जो प्रॉब्लम है कुछ भी है कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलता हूँ आपसे अगली लाइव क्लास में। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।